अगर आपके पास एक विंडोज़ 10 का लैपटॉप या पीसी है जिसका सी ड्राइव जो स्टोरेज है वो यहाँ पे पूरी तरीके से फुल हो चुका है और अभी आप अपने स्टोरेज को क्लीन करना चाहते हैं, यानी कि जो आपका सी ड्राइव है उसे आपको क्लीन करना है और आपको नहीं पता कि किस तरीके से क्लीन करते हैं, सो इन दैट केस यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद दिस वीडियो फॉर दैट। ये आज का वीडियो मैं स्पेशली बिगिनर्स लोगों के लिए कवर करूँ, बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम होता है सी ड्राइव को क्लीन करने के वक्त। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। वैसे यहाँ पे सी ड्राइव को आपको तभी क्लीन करना है जब आपका यहाँ पे जो आपके पीसी का जो स्टोरेज है वो यहाँ पे कम्प्लीटली फुल हो जाएगा। अननेसेसरी रीज़न के लिए आपको यहाँ पे अपना सी ड्राइव क्लीन नहीं करना है, अदरवाइज बाय मिस्टेक के लिए आपके हाथ से आपके इम्पॉर्टेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स भी यहाँ पे डिलीट हो सकते हैं। सो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे सी ड्राइव को क्लीन करने के लिए माई कंप्यूटर ओपन करना होगा, देन इसके बाद आपको यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा। माउस पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे विजिट करना होगा, देन इसके बाद आपको यहाँ पे एक डाउन साइड में डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर जो फाइल है वो स्कैनिंग होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आपका स्कैन कंप्लीट होगा यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर जो भी अननेसेसरी फाइल्स हैं आपके उन्हें आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही डिस्क क्लीनअप पे आप सेटअप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे फिर से स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। देन इसके बाद ये रहा वो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, यहाँ पे आपको सिंपली जो भी अननेसेसरी फाइल्स हैं उन्हें आप सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि यहाँ पे जो विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे डिलीट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ इससे आपके विंडोज़ पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट इसके अलावा जो भी रेस्ट जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है उन्हें आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। डोंट वरी, ये ओनली एक अननेसेसरी फाइल्स है जो आपके पीसी में जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका सी ड्राइव यहाँ पे फुल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसी तरीके से अपना जो सी ड्राइव है अपने विंडोज़ का वो आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन।